हेलो फ्रेंड्स, हल्के गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और ये देखिए मैं क्या ला रही हूँ, आज मैं लाई हूँ पौधे नए नए मेरे मेरे गार्डन में। आज मैं नए प्लांट कुछ ऐड करूंगी और कुछ पुराने जो मेरे पास हैं तो भी मैं और लाई हूँ कलर, यानी कि दूसरे कलर में। तो चलिए इनको निकालती हूँ पहले में, और निकाल के अलग अलग करके तो जो कटिंग है उनको अलग लगाऊंगी और जो बेबी प्लांट है उनको अलग लगाऊंगी। तो ये दो भाग में वीडियो बनेगी मेरी, और एक में काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए दो भाग बनेगी। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, नोटिफिकेशन भी दबाइएगा सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए कि मेरे गार्डन में क्या काम चल रहा है, क्या कर रही हूँ मैं, सब जो भी है आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने शुरू कर दिया प्लांट लगाना। तो सबसे पहले मैं जो ये पाम की वैरायटी है, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको याद है तो मुझे कमेंट्स में बॉक्स में लिखिए और बताइए कि क्या नाम है इसका। तो इसको मैं इसके जो मैं ये 5 लीटर की बोतल है इसी में थोड़ा सा नीम के लिए डालती हूँ, थोड़ा सा फंगस पाउडर डाल देती हूँ, क्योंकि ये मिट्टी मेरी गीली है, बारिश चल रही है तो फंगस लगने का डर रहता ही है। तो नीम के लिए है, हल्दी है, जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं, राख है। और इसमें मैं पीस लिली का पौधा पहले से लगा हुआ था तो मैंने वो मतलब गल गया है, वो जल गई थी उसकी पत्तियां, तो हटा दी, एक पत्ती हरी रह गई उसको छोड़ दिया और इसी में लगा दिया मैंने। और ज़्यादा बड़े में नहीं लगाया क्योंकि खुद ही बेबी प्लांट है, छोटा सा आया तो छोटे ही पॉट में लगाया है। जैसा बढ़ता जाएगा वैसे इसका मैं पॉट चेंज करती जाऊंगी। तो ये देखिए एक प्लांट मेरा तैयार हो गया लग के नहीं, तो ऐसे ही मैं सारे प्लांट को लगा दूंगी और कटिंग्स भी लगाऊंगी। तो ये देखिए अब दूसरा प्लांट लूंगी, और मेरे पास ये गमला खाली नहीं था, ये किया है मैंने गमला, क्योंकि मैं जो पौधे लगाते हैं तो वो सूख जाते हैं या फिर मर जाते हैं किसी कारण, तो उनको फिर मैं क्या करती हूँ दोबारा से प्लांट लगा ही देती हूँ उन्हीं में। ये नहीं कि मैं नए नए हर बारी खरीदूँ या फिर कोई जुगाड़ लगा के बोतल वगैरह के बना लेती हूँ। तो ये देखिए, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई भी काम करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और मुझे भी सपोर्ट मिलेगी, तो 2 इन 1 काम हो जाएगा, आपको भी खबर होती रहेगी कि मेरे गार्डन में क्या काम चल रहा है और मुझे सपोर्ट भी मिलेगी। तो ये देखिए ये है, वैसे तो मेरे पास ये प्लांट लगा हुआ है नीले फूल वाला अपराजिता का, बड़ा सा है, लेकिन मुझे ऊपर नहीं था तो मैं ऊपर के लिए 2 प्लांट लाई हूँ, छोटे छोटे लाई हूँ, लेकिन मेरे पास तो काफ़ी बड़े बड़े भी थे, यानी कि 2-3 हाथ वाले बड़े थे, लेकिन मैं लाई नहीं क्योंकि मुरझाए जैसे हो जाते हैं ज़्यादा बड़े और छोटे लग जाते हैं। तो ये देखिए ये मैंने डिब्बा जो दही का आता है उससे ही पेंट वेंट करके रखा था, तो इसमें मैंने थर्माकोल की जो शीट होती है वो छोटे छोटे करके डाल लिया नीचे, ताकि कम मिट्टी लगे, मेरी पत्ती थी नहीं मेरे पास, खत्म हो गई अभी। तो ये देखिए ये फूल का प्लांट है, इसे हमारे यहाँ मुर्गा वाला प्लांट बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो मुर्गा की जो ऊपर सिर के ऊपर जो चोंच रहती है कलंगी जिसे बोलते हैं, ऐसे इसमें फूल आते हैं तो इसे मुर्गा वाला बोलते हैं हमारे यहाँ कुड़कू। तो ये भी तैयार हो गए, और जो बड़े बड़े प्लांट हैं जैसे कि ये चंपा है और ये लेडी पाम है, इनको मैं बड़े प्लांट में ही लगाऊंगी, अभी थोड़े बड़े हैं ये देखिए, तो इसको मैं इसमें लगा दूंगी। इसमें पेलारी का पाम था, सूख गया है, सॉरी दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब ही चल रही है, अभी ठीक नहीं हुई है, और ये गला ही ख़राब ज़्यादा है मेरा, सर्दी लग गई थी तो बीच बीच में आवाज़ ऐसी हो जाती है, इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने बगल में गड्ढा किया है, और इसमें पहले था जो ग्रीन वाला आता है, ग्रीन पत्तियों वाला पौधा अरेका पाम, जो पतली पतली पत्ती वाला, तो उसकी जड़ है इसमें, जड़ मतलब ठीक ठाक है, सिर्फ ऊपर से गली थी इसकी स्टेम, तो मैंने उसको हटा दिया, जड़ इसको रहने दिया है, तो उसी के चक्कर में मैंने इसको साइड में यानी कि बगल में लगा दिया इसको भी। ये दोनों प्लांट अगर वो फूट आए, सूट्स निकलाए उसमें से, तो वो भी तैयार हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, और देखते हैं कैसे लगते हैं। तो ये प्लांट मैं पहली बार लगाई हूँ अपने गार्डन में, लेडी पाम जो लगाया है अभी, और चंपा तो मैं पहले लगाई हूँ, और ये चंपा मेरा पिंक कलर का है, और बोल के लाई थी पिंक कलर वाला दीजिए, वाइट कलर का तो मेरे पास है, और जब मैंने आके मिलाए तो मेरे पास पहले से भी ऐसी पत्ती वाला है, यानी कि पहले भी था ये प्लांट मेरा और भी ले आई मैं, दोनों 3-3 हो गए मेरे पास, 3 पिंक कलर के और 3 वाइट कलर के हो गए। तो ये देखिए मेरे दोनों प्लांट लग गए यहीं की यहीं। तो अब मैं फिर आगे जाती हूँ, यानी कि आगे, और ये जो मेरे बड़े बड़े जो सूख गए बाल्टी है जैसे वो पॉट थे, तो उनको उठाया मैंने, ये नहीं इनको यहीं की यहीं प्लांट लगा दिया मैंने। तो इसमें लगाऊंगी मैं अमरस लिली, तो ये देखिए जड़ निकली है इसकी, जो इसमें से डिफिन बेचे जैसा पौधा आता है दूसरा, एग्लोनिमा, एग्लोनिमा लगा हुआ था इसमें, तो उसकी पत्तियाँ सूख गई थी गर्मियों में,
फिर इसकी जड़ रह गई है और जड़ सही लग रही है मुझे, दूसरी प्लांट लगा दूंगी। मैं इसको भूल भी गई, रख के अभी लगाया भी नहीं और शाम हो गई है, लेकिन इसको मैं लगा दूंगी दूसरे छोटे में। तो इसमें मैं 3 प्लांट लगाऊंगी। काफ़ी बड़ी बाल्टी आई मेरी, 10 लीटर वाली, जो पेंट करते हैं हम लोग घर पर वही है। चारों को सोच रही थी लगाने के लिए, लेकिन 4 के लिए जगह नहीं बची मेरी, 3 से भरा भरा सा लग गया मतलब। फिर मैंने ये एक को अलग दूसरी उसमें लगा दिया, जो 5 लीटर की बोतल आती है पानी वाली, बैटरी के पानी वाली, इसको दूसरी में लगा दिया मैंने। ऐसे करके चारों ये अमृत लिली में तैयार हो गई, यानी कि लगा दी। तो ये भी मैं पहली बार लाई हूँ मेरे गार्डन में। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये सब कैसे चलेंगे और कैसे नहीं चलेंगे। और ये है, आपने पहचान ली? नहीं पहचानी तो मैं बता देती हूँ, ये है केला की गुड़िया जिसे बोलते हैं। तो मैं आज सुबह केला केला का पौधा भी लाई थी, वो भी हम अपने गेस्ट के यहाँ से लाई थी, वो हमारी ननंद है उनके घर से लाए थे। पड़ोसी ने केला मंगाई थी उनसे, उनके ले आऊँगी मैं वहाँ से। तो ये गुड़िया उसके साथ में ही थी, तो एक इस गुड़िया को मैंने अपने पास रख लिया और ये मैंने गमले में लगा दी, और जो केला का पौधा था वो उनको दे दिया मैंने, क्योंकि मैंने बड़ी केला पहले लगा रखी है नीचे, लेकिन इसको मैं ऊपर लगा दिया था। तो ये मेरी आज की रिपोर्टिंग हो गई पौधों की, बेबी प्लांटों की सारी की। तो बताइए आप मुझे ये कैसी लगी आपको, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा चैनल आगे बढ़े और मुझे भी संतुष्टि मिले कि हाँ मेरा काम या मेरी मेहनत कुछ रंग ला रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।